हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक, जहाँ पे मिलेगा आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का हर एक सलूशन। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लाइन से मेरे जस्ट राइट हैंड साइड, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाना होगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। उसके बाद सबसे ऊपर देख सकते हो अकाउंट सेंटर है, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देख सकते हो अकाउंट सेटिंग्स में है पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी के नीचे है पर्सनल डिटेल्स, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है अकाउंट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल, उस पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना जहाँ पर लिखा है डीएक्टिवेशन, उस पर क्लिक करना। उसके बाद अपनी जो आईडी है उस पर क्लिक करना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन आया है कि आपको डीएक्टिवेट करना है या डिलीट करना है परमानेंटली, तो आप परमानेंटली डिलीट करने वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद आपको क्यू करना है या मतलब जो भी रीज़न है आपका, तो वो इस पर क्लिक कर देना जैसे मैंने फर्स्ट वाला कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करना और उसके बाद फिर डीएक्टिवेट योर अकाउंट, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है उसको करके लिखकर इस पर टाइप कर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना, आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा परमानेंटली के लिए। सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा।